हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए रोगजनक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने एक रोगजनक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। बैक्टीरिया सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि उनका वर्गीकरण कैसा है। अब हम एक नया रोगजनक ले रहे हैं जो प्लांट में रोग उत्पन्न करता है, वो कहलाता है फंजाई। ठीक है, बहुत सारे तुमने फंजाई को हम नॉर्मली उनको हम फफूंद भी कह सकते हैं। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट में ये कौन से डिजीज करता है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले उनकी डिस्कवरी या खोज के बारे में, उसके बाद हम उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और उसके बाद एक फंजाई सेल के बारे में, एक कवक कोशिका की संरचना और देन उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ये फंजाई क्या होते हैं। तो फंजाई की जो सेल होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, यानी सुस्पष्ट केंद्रक उनमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक कोशिका वाले, और इनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी अपना खुद का भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्लांट अपना भोजन किससे, हरे कवक के द्वारा बनाता है, क्लोरोफिल के द्वारा बनाता है। तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इनके ऊपर बीजाणु पाए जाते हैं, बीजाणु यानी स्पोर्स बियर करते हैं, स्पोर्स युक्त होते हैं, बीजाणु युक्त होती है या बीजाणुधारी होते हैं। तो ये हम एक जनरल चीज लिख रहे हैं कि जो कवक होते हैं वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और स्पोर बियर करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम उसको बीजाणुधारी भी कहते हैं। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मीन्स होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। तो हम एक लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो कवक क्या है, कवक यूकैरियोटिक कोशिका वाले क्लोरोफिल रहित बीजाणुधारी तथा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय संरचना वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। हम इनको किसमें रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा ये किस तरह के, मोस्टली अगर हम देखें तो ये किस तरह के फिलामेंटस होते हैं, तंतुमय होते हैं, या दूसरा और भी स्ट्रक्चर इनकी हाइफी का हो सकता है। ये स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी सेल की सेल वॉल देखें तो मोस्टली प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक में आते हैं प्लांट सारे। हमने अभी लास्ट वीडियोस में हमने बैक्टीरियल सेल के बारे में देखा था, तो बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है। तो यहाँ पर जो यूकैरियोटिक है लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट है, बट सेल वॉल इज प्रेजेंट, कोशिका भित्ति इसमें प्रेजेंट होती है और कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, यहाँ एक स्पेशल प्रोडक्ट है काइटिन, इसकी काइटिन की बनी होती है। तो हम यहाँ पर अगर फंजाई के स्पष्ट डेफिनेशन दे तो फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल लेस या स्पोर बियरिंग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर फंजाई विच हैव फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट विच आर मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल रहित बीजाणुधारी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय और तंतुमय सूक्ष्म जीव है जिसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब हम इसके डिस्कवरी के बारे में, अगर जनरल अपन कोई दे कि फंजाई क्या है तो फंजाई के लिए आपको इन पांच वर्ड को यूज करना है, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल रहित बीजाणुधारी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय तंतुमय सेल वॉल काइटिन की बनी। ये आप
आप लेके अगर इसकी डेफिनेशन में इसको बांध सकते हैं। अब आता है कि इसका अध्ययन तो सूक्ष्म जीव विज्ञान है ना, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम फंजाई का अध्ययन करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर में तुमने ये पढ़ा है, माइकोलॉजी कहते हैं या कवक विज्ञान कहते हैं। कवक विज्ञान किसको कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फंजाई या कवक का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। कवक विज्ञान की खोज पी ए माइकेली और उसी के नाम पर ये माइकोलॉजी है। तो पी ए माइकेली ने सर्वप्रथम क्या किया था, इसकी हम पी ए माइकेली को माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पर आप ये जब आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर आप लाइन बना ले कि फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहेंगे, फादर ऑफ माइकोलॉजी पी ए माइकेली। क्वेश्चन पहले भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि माइकेली को कहते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, तो अभी तक हमने एक जनरल चीज पढ़ी है कि क्या होती है कवक। अब हम पढ़ते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टर्स होते हैं फंजाई के। ठीक है, लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण, है ना। लक्षण में सबसे पहले हम लेते हैं हैबिटेट या आवास, किस जगह पर ये रहना पसंद करते हैं, किस तरह का इनका नेचर होता है। ठीक है, तो मोस्टली ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सभी जगह ये पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये फर्स्ट है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये क्या हुए, परपोषी, दूसरों पर डिपेंड करने वाले, हेटरोट्रॉफिक। क्या है, हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, सभी जगह प्रेजेंट होते हैं लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहने वाले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, सड़े गले अंश या मृत कार्बनिक अंश डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, सैप्रोफिटिक इन नेचर। सेकेंड होता है पैरासाइट, किसी दूसरे के ऊपर रहकर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। तीसरा होता है सिम्बायोटिक, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, सैप्रोफाइट का मतलब होता है मृत जीवी और सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। हम जानते हैं, हमने लास्ट ईयर एक लाइकेन शब्द पढ़ा था, लाइकेन, जिसमें जो फंजाई है वो किसके साथ, फंजाई जो है वो एल्गी के साथ, कवक जो है वो शैवाल के साथ मिलकर ये लाइकेन बनाती है। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो हम जब इनका आवास देखें तो मोस्टली ये सभी जगह पाए जाते हैं लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो ये पैरासिट, ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, परपोषी होते हैं और परपोषी होने के कारण कहाँ कहाँ रह सकते हैं, मृत कार्बनिक अंशों पर रहते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रहते हैं, सैप्रोफिटिक कहलाते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, पैरासाइट इन नेचर, सिम्बायोटिक दो के बीच में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों को फायदा होता हो, दोनों साथ मिलकर काम करते हो, उसको हम कहते हैं सहजीवी नेचर, या हम पैरा पैरासाइट भी कह सकते हैं इसको। पैरा पैरासाइट का मतलब होता है पैरासाइट के ऊपर परजीवी। ठीक है, या पैरा पैरासाइट भी कहते हैं हम उसको, हाइपर पैरासाइट भी कह सकते हैं, यानी पैरासाइट के ऊपर परजीवी। तो हम इसे क्या कहते हैं, परापरजीवी। परापरजीवी का मतलब क्या, परजीवी के ऊपर, परजीवी ऑलरेडी है और उसके ऊपर ये परजीवी के रूप में रह रहे हैं, उसके ऊपर ये पैरासाइट के फॉर्म में रह रहे हैं, तो हम इसे
abundant in all type of areas, but chlorophyll is absent. Chlorophyll absent होता है इसके कारण ये क्या किस नेचर के होते हैं, परपोषी या हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। तो ये जब डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रह सकते हैं, हम उसको सेप्रोफाइट कहते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपनी लाइफ साइकिल करते हैं, पैरासाइट कहते हैं। जब दो के साथ किसी लाभदायक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है, उसको हम सिम्बायोटिक कह सकते हैं। और जब किसी परजीवी के ऊपर पैरासाइट रहते हैं तो हम उसे कहते हैं परा परजीवी के। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला कि इसका आवास कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ रह सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक हमारे पास है इसका थैलस। जैसे हम प्लांट को जब अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कि वो रूट स्टेम और लीफ ब्लड तना पत्ती में डिवाइड होता है, वैसे ही हम अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है। रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, इनमें न रूट होती है न स्टेम होती है न लीफ होती है। इनमें क्या होता है, इनका थैलस होता है। थैलस किस किस तरह का हो सकता है, जैसे प्लाज्मोडियम के शेप का इस तरह का थैलस हो सकता है, अमीबीय थैलस हो सकता है, अमीबा के जैसा थैलस हो सकता है, इसका थैलस इस तरह फिलामेंटस हो सकता है। मतलब बॉडी जो है इसकी प्लांट इसकी बॉडी जो है रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं हो सकती। अब रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती तो प्लांट ऐसा पार्ट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। थैलस किस आकार का दिखाई दे सकता है, प्लाज्मोडियल आकार का दिखाई दे सकता है, अम्बोइड दे सकता है, या फिलामेंटस हो सकता है, या सूडो प्लाज्मोडियल इस तरह का दिखाई दे कि वो प्लाज्मोडियल के जैसा हो लेकिन दिखता नहीं हो, सूडो हो। ठीक है, सूडो प्लाज्मोडियल भी हो सकता है, आभासी जिसको हम कहते हैं, हमारा दिखता है लेकिन होता नहीं, उसको हम कहते हैं आभासी प्लाज्मोडियल। तो यहाँ तक आया कुछ समझ में कि थैलस कैसा है। अच्छा, फिलामेंटस है तो फिलामेंटस में बीच बीच में सेप्टम प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम अगर सेप्टम प्रेजेंट है तो हमें हम उसको क्या कहेंगे, सेप्टम का मतलब पट, पट अगर प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं पटयुक्त या सेप्टेड, और अगर पट प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे कहेंगे एसेप्टेड। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ये जो थैलस बना है उसमें बहुत सारे तंतु आपस में मिक्स हो जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उनकी कवक जाल की किस तरह की होती है। तो ये इसका थैलस है, थैलस रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होता है, हम इसे क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ये अमीबॉइड हो सकता है, अमीबा के जैसा हो सकता है, प्लाज्मोडियम के जैसा हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फिलामेंटस का मतलब तंतुनुमा भी हो सकता है, और या फिर आभासी प्लाज्मोडियम भी हो सकता है। इस पर अगर फिलामेंटस है इस तरह इसमें सेप्टेट भी हो सकता है, अगर पट प्रेजेंट है तो वो पटयुक्त, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो पटहीन भी हो सकता है। ये इस तरह का इसका थैलस होता है। अब तीसरा आता है हमारे पास पोषण, न्यूट्रिशन, है ना। तो हम जानते हैं कि जो तीसरा है पोषण या न्यूट्रिशन, अभी हमने पढ़ा है इसको कि ये जो होते हैं ये हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मीन्स हेटरोट्रॉफिक का मतलब परपोषी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो ये दूसरों पर हेटरोट्रॉफिक, तो इसका काम मेन क्या होता है, ये भूमि से कुछ भी चीजों को अवशोषित करने में हेल्प करते हैं। तो एब्जॉर्ब करने का काम ये करते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इनमें सीधा जैसे ये अंदर है ये एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन इसमें सीधा अंतर्ग्रहण नहीं होता, सीधा इंग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा है
सेल वॉल। सेल वॉल अभी बताया मैंने कि मोस्टली प्लांट पे सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ये फंजाई जो होते हैं उनमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है इस पर कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। लेकिन फंजाई का एक मेंबर है वो माइकोटा संघ जो है, वो माइकोटा संघ में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, मोस्टली सभी में काइटिन की बनी होती है, लेकिन ओ माइकोटा जो संघ है उसमें किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन या जनन। जनन पांचवा पॉइंट हमारा, इसमें जनन या रिप्रोडक्शन। सेल वॉल का मतलब समझिए कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, और वो माइकोटा में जरूर ये सेलुलोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही तरह का जनन इनमें पाया जाता है। तो ये है जनन की क्रिया, और ज्यादातर जो कवक है उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो बाकी नॉर्मली सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन इनमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है केंद्र की स्थिति। केंद्र की ये स्थिति, केंद्र कहाँ प्रेजेंट होता है? तो केंद्र की प्रेजेंट होता है तो बेल कवर केंद्र किसके अंदर होता है? सुविकसित कोशिका के अंदर सुविकसित केंद्र पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें, ये अगर हम इसका हाइफी बनाते हैं, इसका कवक तंतु बनाते हैं, तो कवक तंतु में अगर इस तरह से सेप्टा बने हुए हैं, पटयुक्त है, तो ये क्या कहलाएगी? एक केंद्र की कोशिका कहलाएगी। तो ये एक केंद्र है, लेकिन सेप्टम के हट जाने पर अगर जिनमें सेप्टम नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में केंद्र क्या हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम उसे कहेंगे बहु केंद्र की। तो हम ये कह सकते हैं कि फंजाई के अंदर एक केंद्र की और बहु केंद्र की, ठीक है, यूनिक न्यूक्लियस और मल्टी न्यूक्लियस दोनों स्टेज पाई जाती है, दोनों स्टेज होती है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। जीवन चक्र सेवंथ पॉइंट है हमारा, जीवन चक्र। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इनमें प्रेजेंट होती है। कैसे स्पोर गियर होते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारा ये सिंपल को कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल हम इन सेवन जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं इसमें हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमने हैबिटेट देखी, देन हमने इसका इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखी, जिसको हम थैलस कहते हैं, बिकॉज फूड स्टेम लीफ में ये डिवाइड नहीं होता। न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटरोट्रॉफिक नेचर होता है, परपोषी होते हैं, तो इनमें न्यूट्रिशन जो होता है दूसरों से लेते हैं, तो दूसरों से किस प्रकार लेते हैं? अवशोषी होते हैं। सेल वॉल कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। केंद्र की स्थिति, केंद्र एक केंद्र की या बहु केंद्र की अवस्था हो सकती है। अगर सेप्टम प्रेजेंट है, पट अगर उपस्थित है तो वो एक कोशिकीय होते हैं, और अगर पट उपस्थित नहीं है तो बहु केंद्र की एक केंद्र की होते हैं, और पट उपस्थित नहीं है तो ये बहु केंद्र की हो सकते हैं। ये हुआ है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि हम कैसे इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो आपको इन पॉइंट्स के थ्रू आपको जनरल कैरेक्टर याद करने हैं। अब आते हैं हम इसके जनरल कैरेक्टर में ही इसकी कवक तंतु या इसके हाइफी की स्ट्रक्चर। अभी मैंने कुछ तुम्हें बताया कि इसका कवक जाल कैसा होता है। हम यहाँ माइसीडियम की बात करें, माइसीडियम या कवक जाल। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मोस्टली जो कवक होते हैं, फंजाई जो होते हैं, वो तंतुमय या फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होते हैं। इस तरह फिलामेंटस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में इस तरह
तंतुमय या नलिकाकार संरचनाओं के बने होते हैं और इन्हें अपन क्या कहते हैं, ये अगर एक हो तो हम इसे क्या कहते हैं, हाइफी या इसको कवक तंतु कहेंगे। ठीक है, अगर इस तरह के हाइफी जो है बहुत सारे ऐसे वृक्षों के अंदर पाए जाते हैं एक साथ हाइफी, तो हम इसे क्या कहते हैं, माइसीलियम या कवक जाल। ठीक है, तो माइसीलियम क्या है, ये जालनुमा संरचना जो बहुत सारे हाइफी या कवक तंतु जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं माइसीलियम। अब ये माइसीलियम जो है ये कैसा हो सकता है, अभी मैंने बताया कि ये पटयुक्त भी हो सकता है और पटहीन भी हो सकता है। पटयुक्त और पटहीन का मतलब क्या होता है, अगेन याद रिपीट कर रही हूँ बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो हम एक बार इसको रिपीट कर ले कि पटयुक्त कवक जाल और पटहीन कवक जाल। पटहीन का मतलब होता है एसेप्टिक, ठीक है, और पटयुक्त का मतलब होता है सेप्टेड। ये मैंने यहाँ पर हाइफी बनाया है, ठीक है, ये एक हाइफी है। अगर इसमें इस तरह से क्या बने हुए हैं, सेप्टम बने हुए हैं, तो इस तरह का हाइफी क्या कहलाएगा, पटयुक्त हाइफी कहलाएगा, जिसमें पट पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पटयुक्त हाइफी, जिससे पूरा हाइफी किसमें डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में इस तरह का हाइफी होता है जो कि पटयुक्त होता है। लेकिन जब अपन इस हाइफी की बात करें, ठीक है, इसमें बीच में सेप्टम नहीं बनते और बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, तो ये छोटी छोटी अलग अलग सेल में डिवाइड नहीं होता, तो ऐसी सेल जो है, ऐसा हाइफी जो है वो क्या कहता है, कहलाता है सिनोसिटिक संकोशिक अवस्था, संकोशिक अवस्था, ठीक है, तो ऐसी अवस्था कहलाती है संकोशिक अवस्था। और ये सिनोसिटिक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है। यहाँ सिनोसिटिक, इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं और ओमाइसिटीज में इस तरह के केंद्रक पाए जाते हैं। पटहीन माइसीलियम होता है और उसमें पटयुक्त माइसीलियम होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।